नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फिर आपके EFM के सेकंड ग्रुप के इम्पोर्टेंट चैप्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूर्व के लेक्चर्स में हमने बात की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, और देखा था कि सारे कार्य इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश में मुद्रास्फीति की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। मुद्रास्फीति की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में हमने टूल्स देखे थे। दो प्रकार के टूल्स में हमने जो उपाय देखे थे उसमें एक तो मात्रात्मक उपाय, जिसको परिमाणात्मक उपाय भी कहते हैं, और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय वे उपाय होते हैं जो कि साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं, क्वांटिटी को प्रभावित करते हैं, जबकि गुणात्मक उपाय भी उपाय होते हैं जो कि साख के गुण को, क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। और यह भी बताया गया आपको पूर्व में, एक बार मैं आपको पुनः रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको सब रिमाइंड हो जाए, तो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य प्रारंभ से ही नियंत्रित साख का विस्तार रहा, कंट्रोल्ड क्रेडिट एक्सपांशन, जो पूर्व में आपको बताया गया था। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी रही, स्थायित्व के साथ विकास, यानी विकास होना चाहिए देश का, लेकिन उसमें स्थायित्व भी रहना चाहिए। ऐसा विकास जिसमें फ्लक्चुएशंस हो, जिसमें अस्थिरता हो, वो विकास किसी काम का नहीं होता, वो ग्रोथ किसी काम की नहीं होती, लेकिन विकास के साथ में स्थिरता बनी रहे, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, तो वही विकास देश के लिए अच्छा सिद्ध होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मात्रात्मक उपाय हैं, उनके जो टूल्स हैं, उन टूल्स में जो पहला उपाय हमने बताया था, उनके सभी टूल्स के बारे में हम एलोबरेट करेंगे। तो पहला जो उपाय वो है बैंक दर। बैंक दर, या इसको पूर्ण कटौती दर भी कह सकते हैं, बैंक रेट वह रेट होती है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है। यानी जब बैंकों को कई बार आवश्यकता पड़ जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर के माध्यम से उन्हें ऋण प्रदान करता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक दर किस प्रकार साख की मात्रा को प्रभावित करता है? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि बैंक देश में मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो वह बैंक दर को बढ़ा देता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यापारिक बैंकों के लिए भी ऋण लेना महंगा हो जाता है। अगर उनके लिए ऋण लेना महंगा होता है तो वो व्यापारियों को भी जो ऋण देंगे वो बढ़ी हुई ब्याज दर पर देंगे। यानी ब्याज दर वह दर है जिस दर पर बैंक अपने अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को ऋण प्रदान करते हैं। तो नेचुरली जब व्यापारियों को महंगा पड़ेगा तो वो लोन कम लेंगे, ऋण कम लेंगे, और ऐसी स्थिति में देश में मुद्रा का प्रसार कम होगा और मुद्रास्फीति की पर कंट्रोल होगा। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि देश में अभी मुद्रा की आवश्यकता है, हमें मुद्रा का प्रसार करना होगा, विकास के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक दर में कटौती कर दी जाती है, जिससे व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना सस्ता पड़ जाता है। और जब व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना सस्ता पड़ता है तो वे अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं, तो जिससे व्यापारी ज्यादा ऋण लेंगे और देश में मुद्रा का प्रसार होगा और देश में विकास भी होगा। तो कैसी सिचुएशन, उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने अस्त्रों को काम में लेता है। इसको अस्त्र भी कह सकते हैं, एक तरह से टूल्स भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसका ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात आती है खुले बाजार की क्रियाएं, इसको OMO बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि ये सभी के लिए खुला है, सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। और ये भी वो स्थिति कि अगर बैंकों को रुपए की आवश्यकता पड़ती है तो वो अपनी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचकर, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, रुपए प्राप्त करते हैं। और अगर, या दूसरे शब्दों में कहें कि RBI को अगर साख पर कंट्रोल करना होता है तो वो प्रतिभूतियों को, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर देता है जिसको व्यापारी बैंकों को लेना होता है। तो नेचुरली अगर वो जब लेंगे तो उन्हें बैंकों को, रिजर्व बैंक को रुपया देना पड़ेगा, जिससे उनकी साख
की क्षमता, साख विस्तार की क्षमता कम हो जाती है और साख पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरीके से क्रय विक्रय होता है जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में मुद्रा साख को नियंत्रित करता है। फिर हमने तीसरा बताया था वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहले तो आपको ये जानना होगा कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब वो अनुपात होता है जिसमें हर व्यापारिक बैंक को अपने कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत हिस्सा अपने पास में तरलता के रूप में रखना होता है। तरलता का मतलब होता है जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके उन्हें लिक्विडिटी या तरलता कहा जाता है। तरलता होती है सबसे पहले तो कैश रिजर्व तरलता होती है, उसके बाद में गोल्ड में तरलता होती है, प्रतिभूतियां जो सरकारी प्रतिभूतियां जिनको हम गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियां भी बोलते हैं, उच्च श्रेणी की प्रतिभूतियां जिनमें बहुत सुरक्षा भी होती है, उनको इजीली जिनको मार्केट में क्रय विक्रय किया जा सकता है, ये सब प्रतिभूतियां ये लिक्विडिटी के अंतर्गत आते हैं। तो CRR और जो SLR है, SLR जैसे मैंने भी बताया कि ये वह दर है या वह है जिसमें कोषों में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख को नियंत्रित करता है। यानी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बढ़ाना हो, साख की मात्रा को बढ़ाना हो, तो वह SLR में कमी कर देता है, और अगर उसको साख की मात्रा को कम करना हो तो SLR में वृद्धि कर देता है। यानी उनको अपनी जमाओं का निश्चित प्रतिशत व्यापारी बैंकों को रखना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी साख की क्षमता बढ़ जाती है या कम हो जाती है, जैसी भी स्थिति होती है। अभी आपको चूंकि वर्तमान की चीजें बतानी पड़ेंगी, वैसे आगे फिर परिवर्तन होगा, लेकिन जो 6 अगस्त 2020 की जो स्थिति है मैं आपको बता दूं, उसमें 18.5% है, यानी अपनी कुल जमाओं का 18.5% हर व्यापारिक बैंक को जो भारत में स्थापित है उसे इतना तो तरल कोष में रखना ही होगा। इससे वो बैंक दर भी जैसे मैंने आपको बताया था उसमें जो वर्तमान दर चल रही है वो है 4.65%, क्योंकि ये चीजें आपको एग्जाम में बतानी पड़ेंगी। वैसे आगे जैसे मैंने अभी कहा कि एग्जाम के समय तक मार्च अप्रैल तक तो कई चीजें बदल जाएंगी, लेकिन आज की स्थिति में बैंक दर 4.65% है। फिर हम बात आते हैं नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, CRR में। तो CRR क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? यह वह दर है या वह रेशियो है, क्षमा करें, जिसमें हर व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत हिस्सा देश के केंद्रीय बैंक के पास में रखना होता है। यानी हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत हिस्सा कैश में रखना होगा। अब सवाल उठता है कि कैश में रखना की अनिवार्यता क्यों की गई है? ये इसलिए की गई है ताकि कभी भी बैंकों के पास तरलता की कमी हो जाए तो जो पैसा उनका RBI के पास में पड़ा है उसको वो काम में ले सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि नकदी की समस्या पैदा हो जाती है और अगर उस समय कस्टमर्स एक तरह मांगने आ जाते हैं और अगर बैंकों के पास में नहीं होता है तो ये एक अफवाह उड़ जाती है कि बैंक दिवालिया हो रहे हैं। ऐसे कई बार ऐसी पूर्व में समस्या आई है, एक रूमर्स फैल जाती है और सब ग्राहक इमिडिएटली बैंकों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। कोई भी बैंक दिवालियापन ऐसी स्थिति में नहीं होता, और आपको पता है कि वैसे भी अब तो इतने कड़े नियम हो गए हैं, RBI ने बहुत सख्ती की है, और अगर ऐसी बात होती है तो बैंक उसको RBI उसको मर्ज करने की कोशिश करता है। पूर्व में आपको पता है कि बहुत पहले 92 में हमारे न्यू बैंक ऑफ इंडिया का स्थिति खराब हो गई थी, तो उस बैंक को समाप्त नहीं किया गया, उसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो ये इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती कि भारत में कोई बैंक ऐसे सरकारी बैंक को इस प्रकार से दिवालिया हो जाए, ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हो पाती है। तो ये जो नकद कोष अनुपात परिवर्तन की बात कर रहे थे कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को साख को बढ़ाना है तो इस CRR को कम कर देगा, जिसको हम CRR भी बोलते हैं, CRR को कम कर देगा। तो रिजर्व बैंक जो पैसा बैंकों का RBI के वजह से पड़ा रहता है वह कम रखना होगा, और ऐसी स्थिति में उनकी साख देने की क्षमता बढ़ जाती है। और इसी प्रकार अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को साख को नियंत्रित करना है तो CRR को बढ़ा देगा, इस अनुपात को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से उनको बैंकों के पास नकदी कम हो जाती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो नकदी चली जाती है। अभी वर्तमान जो स्थिति है वो 3% है, यानी CRR की दर 3% है, अपने कुल जमाओं का 3% व्यापारी बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास में रखना होगा।
तो ये अभी हमने बात की है चार टूल्स की। अगले लेक्चर हम बात करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी कई बार छोटा सा दो नंबर में या सात नंबर में पूछा भी जा सकता है। तो फिलहाल आप जो आज कर रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने, वापस बुक्स में पढ़ें तो आपको वो क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।